पर पहरे, कहीं हल्के तो कहीं गहरे। पश्चिमी यूपी में प्रेमी जोड़ों के साथ होनी अनहोनी की सत्य कथाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। सरकार और कानून हमेशा ऐसे जोड़ों की हिफाजत में खड़े होते हैं, मगर ट्रेजडी फिर भी उनके साथ हो जाती है। बिरादरी मजहब के दायरे लांग कर अब गुलफिजा ने अनित से प्यार किया है और शादी की है। दोनों अपनी दुनिया बसा चुके हैं, तो अब इनके प्यार के घरौंदे को तबाह करने की साजिशें हो रही हैं। गुलफिजा की आंखों के सामने उसके प्रेमी पति अनित की किडनैपिंग की कोशिश और घर में लूटमार की जा चुकी है। दोनों दहशत में हैं और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। गुलफिजा और अनित कुमार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुलिस महानिदेशक से लेकर जिले के कप्तान तक सबको अपना वीडियो भिजवा कर अपनी पीड़ा सुनाई है। मेरा नाम गुलफिजा है, मेरे पापा का नाम मोहम्मद हसन है, ग्राम शहीद नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम अनित कुमार है, मेरे पिता का नाम महिलाल सिंह है, मैं मंडवा सनपुर का रहने वाला हूँ। मैं इनके साथ अपनी खुद मर्जी से आई हूँ, हम दोनों ने शादी भी कर ली है। कल शाम हम दोनों पर हमारे मेरे घर वालों ने हमला किया है और हमें मारने की धमकी भी दी है। आगे को हमारी जान पे कोई खतरा हो सकता है तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले हैं। अपनी शिकायत में गुलफिजा ने बताया है कि वह रामपुर जिले के थाना ताना क्षेत्र में मिट्टू नगर गांव की रहने वाली है। अपनी खुशी और मर्जी से उसने हसनपुर के अनित कुमार के साथ शादी की है। इससे उसके पिता और भाई अनित की जान के दुश्मन बन गए हैं। भाई और पिता ने 15-20 लोगों की भीड़ के साथ उसकी आंखों के सामने रामपुर शहर से सरेआम अनित के अपहरण की कोशिश की। राहगीरों ने किसी तरह अनित की जान बचाई। किडनैपिंग में नाकाम होने के बाद आरोपियों ने अनित के गांव जाकर उसके घर में तोड़फोड़ और लूटपाट की। गुलफिजा ने कहा है कि पिता और भाई पति के साथ उसकी कभी भी हत्या कर सकते हैं। उन दोनों की जान को खतरा देखते हुए तुरंत पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। यहां बता दें कि पिछले दिनों अनित और गुलफिजा अपने घरों से गायब हो गए थे। उस वक्त गुलफिजा के पिता ने अनित के खिलाफ बेटी को बहला फुसला कर अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दोनों शादी के बाद अब वापस लौट आए हैं तो उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। गुलफिजा और अनित खासे दहशत में हैं और अपना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर सुरक्षा व मदद की गुहार लगा रहे हैं। हाल के दिनों में रोहिलखंड के अंदर कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें अलग अलग धर्म और बिरादरी के प्रेमी जोड़ों ने शादियां रचाई और उन्हें परिवार व समाज के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। बरेली में 2 दिन पहले रुबीना हिंदू धर्म अपना कर पुष्पा बन गई और प्रेम गंगवार से शादी कर ली। रुबीना और पुष्पा को उसका पूर्व शोहर शोएब हत्या की धमकी दे रहा है और पुलिस से सुरक्षा की मांग वह करती देखी जा रही है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।